हेलो फ्रेंड, मैं ब्रिजेश कुमार, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू में आपका स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सरकारी नौकरी से संबंधित हैं। इस वीडियो में कुल 2007 पदों के बारे में बताने वाला हूं और जो 2007 पद हैं लैब टेक्नीशियन के लिए हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यदि आप लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 2007 पद कम नहीं होता है और यह जो वैकेंसी आई है राजस्थान में आया है, इसलिए मैं सोचा कि सबसे पहले वीडियो बनाकर आपके पास तक शेयर करूं। तो देखिए, यह जो वैकेंसी है राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान राजस्थान जयपुर के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें लैब टेक्नीशियन भर्ती 2023 में विज्ञप्ति जारी की गई है। आज 31 मई है और आज ही यह नोटिफिकेशन आया है। तो इसमें कुल 2007 पद हैं, जिसमें 144 पद हैं जो बैकलॉग कैटेगरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। तो कैटेगरी वाइज तो डिटेल आप जानकारी देख सकते हैं। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखिए, आपको मैं एक बात दिखा देता हूँ कि यहाँ पर देखिए जनरल कैटेगरी का पद, या यहाँ पर टोटल पद दी गई है। यहाँ पे जनरल कैटेगरी है, यहाँ पे एसी है, एसटी है, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ओरिएंटल जो है, यहाँ पे डिटेल जानकारी दी गई है। यह पद के बारे में कुल 2007 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं, या तो डिटेल जानकारी आप प्राप्त यानी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। अब हम बात करें गैर अनुसूचित क्षेत्र में जो पद हैं, जनरल कैटेगरी में 73, एससी में 32, एसटी में 24, ओबीसी में 42 और एमबीसी में 10, ईडब्ल्यूएस में 20 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। अनुसूचित जनजाति में भी इस तरह से जनरल में 11, एससी में 1 और एसटी में 9 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। जो बैकलॉग कैटेगरी की बात करें तो एसी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी में कुल 144 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, जिसमें महिलाओं के लिए अलग हैं, विधवा के लिए अलग हैं, यानी विधवा महिला के लिए अलग डिटेल जानकारी दी गई है, जनरल महिला और मेल और फीमेल के लिए अलग डिटेल जानकारी दी गई है। तो यह सब तो जानकारी आप देख सकते हैं। तो देखिए, यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैनल पर डेली सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो बनाई जाती है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें। इस पद के लिए हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन के लिए, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सीनियर सेकेंडरी इन साइंस सब्जेक्ट यानी 12वीं क्लास साइंस सब्जेक्ट से पास होना चाहिए। इसके साथ में बायो या मैथमेटिक्स या इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन किसी भी संस्था से रिलेटेड होनी चाहिए, या तो आपको 12वीं क्लास साइंस सब्जेक्ट से पास हो, उसमें बायो हो या मैथ हो। यदि ये दोनों सब्जेक्ट नहीं हैं तो यदि डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात कि यदि आपके पास डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन से संबंधित नहीं है और 12वीं क्लास आप साइंस सब्जेक्ट से पास हैं, जिसमें बायो या मैथ हैं, तो आप स्पष्ट रूप से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं बता रहा हूँ जो इसमें डिटेल जानकारी दी गई है, क्योंकि हमारे पास बार बार कमेंट आता है कि सर मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है। तो यहाँ पे स्पष्ट आप सुनिए कि यदि 12वीं क्लास साइंस सब्जेक्ट से आप पास आउट हैं और इसमें बायो या मैथ सब्जेक्ट हैं तो आप लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि ये क्वालिफिकेशन नहीं है और केवल डिप्लोमा है आपके पास, या इक्विवेलेंट होनी चाहिए, या जो डिप्लोमा जो है डिप्लोमा आपके पास मेडिकल लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड होनी चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो भी आपका डिप्लोमा है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर होनी चाहिए। या तो हो गई योग्यता के संबंधित बात यानी आपके क्वालिफिकेशन, तो देखिए क्वालिफिकेशन बहुत कम मांगा हुआ है। सैलरी की बात करें तो पे लेवल L8 पर आवेदन आमंत्रित किया गया है और यह जो वैकेंसी है सीधी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है। लेकिन एक बात है कि जो भी राजस्थान में वैकेंसी आती है, चाहे राजस्थान में हो या ऑल इंडिया में हो, 2 साल का जो है प्रोबेशन पीरियड रखा जाता है, तो जो आपका एज लिमिट कैलकुलेट करना है, यह मानकर चलना है आय की गणना कि 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर आपको एज लिमिट का कैलकुलेट करना है। तो एज लिमिट इसमें जो है, इसकी डिटेल जानकारी तो आप देख सकते हैं। हमें लगता है कि पहले भी नोटिफिकेशन आया था, इसके पहले नोटिफिकेशन जो आया था उससे रिलेटेड भी इसमें डिटेल जानकारी दी है। यदि आप पहले से अप्लाई किए हैं तो इस नोटिफिकेशन को एक बार जरूर पढ़ें। अब हम बात करें एज लिमिट, तो देखिए आपको एज लिमिट जो कैलकुलेट करना है 1 जनवरी 2024 से कैलकुलेट करना है। एज लिमिट जो है वो जिसमें हम बताना चाहते हैं कि आपका एज 18 साल पूर्ण हो गया हो और 40 साल से ज़्यादा नहीं हुआ हो। यदि आप राजस्थान के निवासी हैं तो उनके लिए एज लिमिट में जो छूट हैं वो अप्लीकेबल हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेंगे, बट एक बार रजिस्ट्रेशन करके आपको ट्राई करना है
कि अदर स्टेट का एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। एप्लीकेशन शुल्क की बात करें तो इसमें जो वैकेंसी आई है इसमें एप्लीकेशन शुल्क, हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही गूगल में जाकर, वेबसाइट पर जाकर भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई भी त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो उसके लिए ₹200 एप्लीकेशन शुल्क देकर आपको सुधार करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की तिथि की बात करें तो आज से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू हो गया है, यानी 31 मई 2023 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 31 जून 2023 तक है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर यानी मोबाइल नंबर दी गई है, जीमेल आईडी दिया गया है। इस जीमेल आईडी से दिन में 9:30 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और राजस्थान के जो कैटेगरी में जो बिलोंग करते हैं उनके लिए जो हम बात करें तो जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो उनको अपलोड करना है। तो इससे रिलेटेड तो डिटेल जानकारी आपको पता होगा। हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम, सॉरी एप्लीकेशन शुल्क के बारे में। तो देखिए, सामान्य वर्ग राजस्थान के जो ओबीसी हैं, पिछड़ा वर्ग हैं, अति पिछड़ा वर्ग के लिए ₹500 एप्लीकेशन शुल्क हैं। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर से यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ₹350 एप्लीकेशन शुल्क हैं। और समस्त विधवा, विछीन, विधवा, महिला, विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा सभी वर्ग के ऐसे आवेदक जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है उनके लिए भी ₹250 एप्लीकेशन शुल्क हैं। इस तरह से यह एक सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले एडवर्टाइजमेंट को आप अच्छे से पढ़कर उसके बाद ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहिए। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें। और यदि आप पहले से अप्लाई किए हैं तो इसके लिए अलग से इसमें गाइडलाइन दी गई है, उस गाइडलाइन को पढ़कर समझकर उसके बाद फ्रेश अप्लाई करें, या जो पुराने अप्लाई किए हैं यानी पहले से अप्लाई हुआ है तो उसमें क्या गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार आपको दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करना है। तो इस तरह से यह जो वैकेंसी है सरकारी नौकरी के लिए है अप्रैल 2000